उधर बीजेपी में मुख्यमंत्री पद पर माथापच्ची चल रही है। इधर कांग्रेस से खाली हाथ होने के बावजूद आपस में दो दो हाथ कर रहे हैं। हरदा पर लगे आरोप के बाद गणेश गुदियाल का इस्तीफा और मथुरा दत्त जोशी का विस्फोटक बयान। उत्तराखंड कांग्रेस में भयानक गुटबाजी की ओर इशारा कर रहा है। आइए समझते हैं कांग्रेस के कलह की पूरी कहानी क्या है। कांग्रेस की कलह की कहानी में हर रोज नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। हरदा और रणजीत रावत की जंग जगजाहिर हुई ही थी कि गणेश गोदियाल के इस्तीफे से हरीश रावत खेमे में भूकंप आ गया। रही सही कसर पूरी कर दी प्रदेश संगठन मंत्री मथुरा दत्त जोशी ने। चुनाव जब सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया तो मैं समझता हूँ कि सबकी, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सबको त्याग पत्र देना चाहिए और सबको हाईकमान की बात को मानना चाहिए। दरअसल मथुरा दत्त जोशी का बयान हरीश गुट की बेचैनी को दिखाता है। हरीश गुट से अब तक गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष के पद से और दीपिका पांडे राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष भी अपना पद छोड़ेंगे, क्या प्रदेश प्रभारी और कार्यकारी अध्यक्ष भी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। नैतिक जिम्मेदारी की बात है, सामूहिक जिम्मेदारी की बात है, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। अगर वो चुनाव में सम्मिलित था, वो चुनाव का हिस्सेदार था, चुनाव प्रक्रिया का हिस्सेदार था, तो निश्चित रूप से त्यागपत्र होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के अंदर वास्तव में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है और जिस तरह से जो अपने को दिग्गज समझते थे और जिन्होंने अपने कुर्ते पैजामे सिला के मुख्यमंत्री के लिए तैयार बैठे हुए थे, जिस तरह से जनता ने उनको नकारा है, तो मुझे लगता है कि ये दुर्गति वास्तव में जो कांग्रेस की हुई है ये सभी ने देखी। और अभी तो मुझे लगता है कि जो आगे का समय है वो उत्तराखंड में अब कांग्रेस मुक्त का जो समय है वो आ गया है। यानी कलह से जूझ रही कांग्रेस पर बीजेपी खूब चटकारे ले रही है। हालांकि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का बीजेपी का सपना साकार होगा या गृह कलेश के बाद कांग्रेस नए जोश में लौटेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी के भीतर अभी आवाज उठने लगी है कि महज प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी क्यों, और भी नेताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब देखना होगा कि हार की जिम्मेदारी लेने के लिए पार्टी के और कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो आगे आते हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। कैमरा सहयोगी अमरेश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, सी मीडिया, देहरादून।